2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 99 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीट वायनाड और रायबरेली से जीत हासिल की है। और चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल गांधी आज वायनाड पहुंचे, जहां पर मलप्पुरम में बातचीत के दौरान वायनाड की जनता को दूसरी बार सांसद चुनने के लिए धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे सामने एक दुविधा है कि या तो मैं वायनाड या रायबरेली से सांसद रहूं। लोकसभा चुनाव में भारी मतों से दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद पहली बार केरल पहुंचे राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान से कोई निर्देश नहीं मिलता है, जैसा प्रधानमंत्री कहते रहते हैं। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने मलप्पुरम से तंज कसा और इसके साथ ही उन्होंने वहां के लोगों से ये अपील जरूर की। उनको ये जरूर कहा कि देखिए, मैं कोई भी फैसला लूं, दोनों ही जगह के लोग, चाहे वायनाड के लोग हों या चाहे रायबरेली के लोग हों, वो सभी मेरे इस फैसले से खुश होंगे। आई लाइक टू वंस अगेन थैंक एवरी सिंगल पर्सन इन वायनाड फॉर द लव एंड अफेक्शन दैट यू हैव गिवन मी। एंड मेनी पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग Wayanad or Raebareli. Everybody knows the answer to this question except myself. You know, in politics, everybody knows everything except the person who's doing it. So, don't worry. Both Raebareli and Wayanad will be very happy with my decision. अब राहुल क्या फैसला करते हैं, इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता टकटकी लगाए उनकी ओर देख रहे हैं। और कांग्रेस के नेता भी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी का फैसला क्या होगा। वो वायनाड की सीट चुनते हैं या राहुल गांधी रायबरेली की सीट चुनते हैं। देखिए, अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 2024 की लोकसभा चुनाव की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई थी और नफरत को प्यार, अहंकार को विनम्रता से हराया है। ये बात राहुल गांधी ने कही। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को अब अपना व्यवहार बदलना होगा, क्योंकि देश के लोगों ने एक सीधा संदेश दिया है। वहीं कांग्रेस नेता ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में एक अपंग सरकार बनी है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर जीत हासिल की है और अपने गठबंधन के सहयोगियों की मदद से देश में सरकार का गठन किया है। आम चुनाव में बीजेपी 240, कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी 29, डीएमके 22, तेलुगु देशम पार्टी ने 16 और जनता दल यू ने, यानी कि जेडीयू ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव 2024 में रायबरेली और वायनाड से सांसद चुने गए राहुल गांधी इन दिनों काफी असमंजस की स्थिति में उनको लेकर कार्यकर्ता हैं कि वो आखिर कौन सी लोकसभा सीट को अपने पास रखेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि आखिरी फैसला कोई भी होगा, लेकिन उनको दोनों लोकसभा सीटें रखने में खुशी होगी। आई लाइक टू वंस अगेन थैंक एवरी सिंगल पर्सन इन वायनाड फॉर द लव एंड अफेक्शन दैट यू हैव गिवन मी। एंड मेनी पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग वायनाड और रायबरेली। Everybody knows the answer to this question except myself. So, don't worry. Both Raebareli and Wayanad will be very happy with my decision. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।